इससे पहले भारत 24 ने जब सनातन पर हो रहे हमले को लेकर बात की थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि सनातन पर हमला वही लोग कर रहे हैं जिनको सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है। आइए इस महासम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में इस वक्त जो खास मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। महामंडलेश्वर हमारे साथ में है, वेदमूर्ति नंद महाराज जी आपका स्वागत है, ऋतु सिंह हमारे साथ में है इस वक्त धर्मगुरु, योगी उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ में है धर्मगुरु, और तोशिका हमारे साथ में, तोशिका राजौरा धर्मगुरु, सभी का स्वागत है। और जल्दी साध्वी रितम्बरा भी हमारे साथ में होंगी, महामंडलेश्वर अवधेशपुरी महाराज भी हमारे साथ में इस वक्त है, सभी का एक बार स्वागत है। और जो हमारे साथ अभी नए मेहमान जुड़े हैं उनका पहले एक बार रुख कर लेती हूँ। ऋतु जी, हम लगातार देख रहे हैं कि हमले पर हमले हो रहे हैं और सनातन पर हो रहे इस हमलों को आप कैसे देखती हैं, क्यों हो रहे हैं ये हमले सनातन पर इतने ज़्यादा? सनातन पर हमले जो लोग कर रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, न सनातन के अर्थ का ज्ञान है। सनातन का अर्थ ही अगर शाब्दिक लिया जाए तो शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है। ये एक वैश्विक नियमावली है। सनातन को किसी धर्म के साथ जोड़ना ही पूरी तौर पे गलत है, क्योंकि अगर इन लोगों को जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनको अगर ज्ञान होता, ये नींव है, एक तरह से सारे धर्म की नींव है। सनातन से ही सारे धर्म निकले हैं, और अगर सनातन को ख़त्म कर देंगे तो फिर तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। और एक जो वैश्विक नियम चल रहा है जिस पर कि एक आचरण, एक परिपाटी है, आचरण की परिपाटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो है सनातन। कृष्ण ने भागवत गीता के 23वें श्लोक में भी कहा हुआ है कि नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातनम, मतलब जो नित्य है, जो सर्वव्यापी है, जिसका अंत न किया जा सके और जो स्थिर है, उसको सनातन हम बोलते हैं। तो सनातन को समाप्त करना तो असंभव है, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, और जब तक बहुत एक्सेस नहीं हो जाती हैं चीज़ें तब तक हम लोग विरोध नहीं करते हैं। तो सनातन धर्म का विरोध करना असंभव है। देखिए, बात लोग विज्ञान का उदाहरण देते हैं, अगर विज्ञान की हम बात करें तो सनातन का तो आदि और अंत नहीं है, लेकिन विज्ञान 400-500 वर्ष पुराना है। सारे जो विज्ञान के आविष्कार हैं उसको लोग जोड़ते हैं। अगर हम बिल्कुल उदाहरण से ले लें कि शल्य चिकित्सा जो विज्ञान है, जो सुश्रुत जी ने लिखा था, उसको आज के वैज्ञानिक भी उसको आज के संदर्भ में उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, सब लोग जानते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि सनातन इतना विस्तृत है कि जो आज बिल्कुल लगातार रिसर्च की जा रही है वो रिसर्च तुम्हारे वेद पुराणों में मिल जाएंगे, सारी मिल जाएंगे, कोई भी आविष्कार। आप देखिए, न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन 1687 में जो सिद्धांत आया उसको ब्रह्मगुप्त ने अपनी जो ब्रह्मगुप्त स्फुरण संहिता है उसमें कप का लिख दिया था कि शरीर गिरता है, धरती की तरफ गिरता है। कम से कम 500 वर्ष पहले ऐसे ही सूर्य सिद्धांत 1105 में आ चुका था। तो आप बताइए ना, जो चीज़ें अगर ये पढ़ते, इनको अध्ययन करते, अगर इनका ज्ञान होता तो ये कभी सनातन का विरोध नहीं कर सकते। ये धर्म को समझते ही नहीं है कि धर्म अगर ये बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक और वैश्विक, मैं बार बार कह रही हूँ कि वैश्विक ब्रह्मांड संहिता का जो नियम है वो सनातन पर आधारित है, तो संभव ही नहीं है। ये तो बस अज्ञानता है जिसको ये लोग किसी भी तरह अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। अब राजनीतिक फायदे की बात तोशिका जब हो रही है तो अगर इसको इस एस्पेक्ट में देखा जाए कि पॉलिटिक्स में क्यों धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, आप जब राजनीति करते हैं, राजनीति जनसेवा है और सनातन का मूल भी जनसेवा है, तो ऐसे में उस जनसेवा को छोड़कर किसी धर्म पर हमला कर देना, ये सनातन पर हमला कर देना, उसके अस्तित्व को खारिज करना, ये पॉलिटिकली क्यों, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप इसको बहुत विस्तार से, मैं इसको ना समझाऊँ, इसको कुछ शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूं, आप नोटिस करेंगे कि जितने भी अब शब्द बोले जा रहे हैं सनातन धर्म को जो समाप्त करने की बातें की जा रही हैं, ये सभी साउथ साइड पे हो रहा है। अगर हम डीएम के सरकार की बात करें, जहाँ पे उदय निधि जो सेल्वन है, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो सनातन है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, वहाँ ए राजा ने ये उस पर और टिप्पणी करते हुए ये बोल दिया। उन्होंने तो बहुत कम बोला, उनको तो ये बोलना चाहिए था कि तो एड्स के समान है। तो ये सिंपल इनका फंडा है, जितना भी ओबीसी जो वहाँ कैटेगरी है उसको ये बताना कि जो बीजेपी है भाई वो तो आपकी अपर क्लास की सरकार है, तो वो लोअर सरकार को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने वाली, इसीलिए आपको ये धर्म को बांटा जा रहा है, जातियों को पॉलिटिकल फंडास के लिए, वोट कलेक्शन के लिए ये चीज़ की जा रही है। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जैसे सभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को सनातन के बारे में ज्ञान ही नहीं है, उन्हें सनातन का एस भी नहीं पता, ऐसे लोग जब उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने घर के अंदर झांकना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उदय निधि जी की, तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, अभी कुछ ही टाइम पहले उनकी जो मदर थी, उन्होंने केरला के मंदिर में जाकर दर्शन किए, ना केवल दर्शन किए बल्कि 14
14 लाख का सोने का मुकुट उन्होंने चढ़ाया। तो अगर इतना उनको प्रॉब्लम है सनातन से, तो सबसे पहले तो अपनी घर की औरत को वो रोके। दूसरी चीज़, जहाँ पे अगर हम बात करें कांग्रेस के लोग जो हैं इतना ज़्यादा क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कांग्रेस के हम प्रवक्ता की बात करें, पवन खेड़ा जी की बात करें, तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल दिया कि कांग्रेस जो है वो सारे रिलीजन को अब मानता है, इक्वालिटी को मानता है, तो इस टॉपिक को आपको उठाना नहीं चाहिए। क्यों उठाना नहीं चाहिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपका दोस्त जो है आपके घर के किसी व्यक्ति को गाली दे रहा होगा, आपके कल्चर को गाली दे रहा होगा, क्या आप उस दोस्त से अपनी दोस्ती रखेंगे? आप बिल्कुल भी उस दोस्त से बड़ा जेन्युइन सवाल है कि जब आप ही के लोग सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कहें कि अब ये उनकी अपनी निजी राय है, ये कह के बचा नहीं जा सकता। महामंडलेश्वर अवधेशपुरी महाराज भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। महामंडलेश्वर अवधेशपुरी महाराज जी, मैं एक बात जानना चाह रही हूं आपसे। ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कह रहे हैं, रामचरित मानस पर कभी सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि सनातन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, सनातन जैसा कुछ है ही नहीं, वो हिंदुत्व हिंदू ये सबको खारिज कर देते हैं। मैं चाह रही हूँ कि जरा ऐसे लोगों का थोड़ा सा ज्ञान वर्धन आप करें, उनको थोड़े सा ज्ञान की प्राप्ति हो, ताकि अज्ञानता में भी वो जो बात बोल रहे हैं ये गलती, इसकी माफी उनको मिल जाए। जी, वास्तविकता ये है कि ये रहस्य को नहीं समझते, धर्म का जो रहस्य है उसको नहीं जान पाते, उसका अर्थ भी नहीं जानते है, इसलिए ये लोग ऐसी गलतियां करते हैं। कोई वस्तु या कोई विषय किस संदर्भ में कहा गया है, अगर जो कितना भी जान ले तो मैं समझता हूँ कितनी बढ़िया बड़ी गलतियां न करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस की चौपाइयों पर आपत्ति ली, और जिन चौपाइयों पर आपत्ति ली उनका अर्थ वो जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने रामचरित मानस को पढ़ा नहीं। उनकी आपत्ति ये थी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं नारी को उसमें नीचा दिखा गया, उनकी आपत्ति थी उसमें सूत्रों को नीचा दिखाया गया, इसलिए लोग प्रतियां जलाना चाहते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे धर्म का जो रहस्य है वो हमेशा सामाजिकता में या समाज में मानव में एक समन्वयता का निर्माण करना रहा है। मानव समाज का शुद्धिकरण किस प्रकार हो, मानव समाज का चरित्र किस प्रकार से ऊंचा उठे और मानवता का उत्थान कैसे हो, धर्म यही सिखाता है। मानवता के उत्थान के लिए हिंदू सनातन धर्म ने इस धरती पर जब कोई धर्म मानवता के उत्थान की बात नहीं कर रहा था तब कौन बात कर रहा था, सिर्फ सनातन धर्म बात कर रहा था। हम ऐसे अगर देखें तो हमारे पास प्रमाण तो मान लीजिए 5,000 वर्ष पुराने मिलेंगे, लेकिन क्या 5,000 वर्ष पहले सनातन धर्म नहीं था? इस धरती पर जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन का अर्थ है शाश्वत, सनातन का अर्थ है सदैव रहने वाला, जो भूत में भी था वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वही तो सनातन है। तो उस सनातन धर्म के अर्थ को समझना चाहिए, हमारे धार्मिक जो सिद्धांत है उनको समझना चाहिए। हम नैतिकता की बात करते हैं, हम पवित्रता की बात करते हैं, हम उदारता की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम संतोष की बात करते हैं, हम मतलब सनातन धर्म है, तो हम क्या गलत करते हैं? इन्हीं सब चीजों को मिलाकर के जो फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं, इनको मिलाकर के उसका निर्माण होता है। ठीक, तो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती। ईमानदारी का विरोध कर रहे हैं क्या, आपको पवित्रता का विरोध कर रहे हैं, वो धैर्य का? मैं आती हूँ आपके पास, ब्रह्मचारी मुकुंद आनंद जी हमारे साथ में हैं, उनका भी एक बार रोक कर लेती हूँ। मुकुंद आनंद जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, जब हम कहते हैं कि सनातन उदारता की बात करता है, जब हम कहते हैं कि सनातन नैतिकता की बात करता है, तो उसी उदारता नैतिकता की बात करने वाले सनातन में ये लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था इसी में है, शूद्रों के साथ व्यवहार ऐसा क्यों होता है, जब बात वर्ण व्यवस्था की आ रही तो कुछ लोगों को दबाया जाता है, ये दोनों बातें फिर कॉन्ट्रोडिक्ट्री हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालें कि ऐसा क्यों है, जब शाश्वत है, जब उदारता है, जब नैतिकता है, तो फिर वहीं पर ही ये वर्ण व्यवस्था जिसमें कोई ऊंच जात कोई नीच जात ये क्यों है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने ये कहा कि जो चातुर्वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, उसको मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाया। जो जातिवादी व्यवस्था को गलत कहते हैं, देखिए, जातिवादी व्यवस्था के नाम पे यदि किसी को सताया जाता है तो निश्चित रूप से वो गलत है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को मानने वाले जो मूल परंपरागत लोग हैं उन्होंने कभी भी जातिवाद के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, कभी भी किसी को सताया नहीं है। आप लाखों वर्ष पुराना इतिहास है सनातन धर्म का, भारत धर्म का,
ये जब से राजनेता इस देश में आए हैं तथा कथित राजनेता तथा कथित राजनीति समाज सेवा की बात करने वाले लोग, उन लोगों ने ही जातीय विद्वेष फैलाया है आपस में। लाखों वर्ष से चली आ रही व्यवस्था में आज तक कभी कोई समस्या नहीं हुई। आप जातिवाद की बात करके आप कहते हैं कि जो बड़े हैं सवर्ण, जिनको बड़ा माना जाता है, आपके द्वारा कहा जा रहा है, वो छोटे को दबा रहे हैं। आप समझिए कि हमारे देश में रामचंद्र जी से बड़ा कोई था क्या? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जीवन उन्होंने दिया तो वो केवट को दिया, निषाद राज गुह को दिया, उन्होंने गिद्धराज जटायु को दिया। तो जातिवादी हम लोग नहीं है, और जातिवाद के नाम पर हमने कभी किसी को सताया नहीं। ये अंग्रेजों की और जो हमारे सनातन धर्म से अपने मत को अलग मानते हैं ऐसे लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। जहां तक जातवाद मिटाने की बात है तो हम सामान्य बात एक कहते हैं, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप बिना जातवाद के, बिना जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का मतलब वर्गीकरण, एक व्यवस्था, किसी भी संस्थान को यदि आपको चलाना है तो आपको एक वर्गीकरण करना, वर्गीकरण ही ये वर्ण व्यवस्था है। किसी एक को आपको कुर्सी पर बैठाना पड़ेगा। कलेक्टर के ऑफिस में क्या सब बराबर होते हैं? एक कलेक्टर होता है, एक चपरासी होता है, एक बाहर खड़ा प्यून होता है, एक बुलाने वाला होता है, एक सबकी एक समान व्यवस्था नहीं। कलेक्टर के ऑफिस में सब कलेक्टर नहीं होते। यदि सब कलेक्टर हो जाएंगे तो व्यवस्था कहां से चल पाएगी? सब उसमें प्यून हो जाएंगे तो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मनुष्य होने के कारण कलेक्टर के ऑफिस में बैठा जो कुर्सी पर व्यक्ति है वो किसी सामान्य कर्मचारी का, जिसको आप कोई ग्रेड में रखते हैं, उसका अपमान करने लग जाए। यदि मनुष्य होने के कारण, अमुक जगह पे काम करने के कारण यदि उसका अपमान किया जाता है तो निश्चित रूप से ये दंडनीय अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास भी वर्गीकरण एक सामाजिक व्यवस्था है। मैं आती हूं आपके पास में। आचार्य शेखर जी महाराज भी हमारे साथ में, महामंडलेश्वर, उनका भी एक बार रुक कर लेती हूं ब्रेक पर जाने से पहले। महाराज जी, सवाल यहां पर ये है कि जब ये व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए और इसके लिए सनातन जिम्मेदार नहीं है, जो सनातन में मुझे लगता है कि फिर कुछ लोग जो उसके ठेकेदार बनने के प्रयास में लगे उनके कारण से व्यवस्था आई और उस कारण से ये नुकसान आज भोगना पड़ रहा है, तो जब इसके सुधार की बात आ रही है तो इसके सुधार की तरफ क्या कदम बढ़ चुके हैं? आचार्य शेखर जी महाराज हमारे साथ हैं क्या? जय महाकाल। जय महाकाल जी महाराज। आवाज आ रही जी? देखिए, जब से भारत पृथ्वी है या आर्यव्रत है, सूर्य चंद्रमा है, तब से सनातन इस सृष्टि में है। 1,97,29,49,122 वर्ष से सनातन विद्यमान है और सनातन है। इसलिए तो ये सभी मानसिकता के लोग इस आर्यव्रत में विराजमान है और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं। तो सनातन धर्म तो सदैव समरसता की बात करता रहा है, सदैव एकात्म की बात की है। सत्य सनातन हिंदू धर्म में हम लोग सबको एक साथ बैठा के आश्रमों में व्यवस्था की जाती, भोजन की व्यवस्था की जाती, बेटियों की दुहा करवाए जाते, शिक्षा दी जाती है। जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने अभी हमसे पूर्व बताया है कि जाति किसी सनातन धर्म ने नहीं बनाई, वर्ण बनाए, प्रत्येक जाति में भी वर्ण होते हैं और जातियां बनाने वाले और भेदभाव वो करने वाले तो ये कुटिल दिमाग के लोग है जो बाद में आए, अंग्रेजों के साथ ही काले अंग्रेज हमारे भारत में आ गए। इन लोगों ने ही छुआछूत को ज्यादा बढ़ावा दिया और हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया है। जैसे राम जी का केवट जी का उदाहरण दिया है तो निश्चित रूप से वो सही उदाहरण है और हम तो सबरी माता को मानते हैं और सबरी को ही माता को ही पूजते हैं और पूरे राष्ट्र में प्रत्येक साधु, प्रत्येक सनातनी और जो अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, अखाड़ों के बाहर के भी सभी लोग सत्य सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग को बांटने की बात करते हैं या सुधारने, जो उन लोगों ने बांटने की बात कह दी है उन सबको जोड़ने की विषय रखते हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक सनातनी एकात्म रूप से स्वच्छता खत्म करने की बात कर रहा है और हमारा भारत एक नई दिशा में जा रहा है। तो कोई स्टालिन बोले या करुणानिधि बोले या उदय निधि बोले, इनको अभिव्यक्ति की आजादी अगर दी गई है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों का अपराध है। संविधान भी ये विधान होना चाहिए कि इन सबके प्रति दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। आप किसी धर्म पर इस तरह का आघात न कर पाए, आप लोग ये कह रहे हैं। विस्तृत चर्चा लगातार जारी है इस महासम्मेलन में।